अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, दोस्तों आज देखें मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी आपके लिए मुर्ग मसल्लम बनाने जा रहा हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, मैं मुर्ग मसल्लम किस तरह से बनाता हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार बनाकर जरूर खाएं। और दोस्तों मैं इसका पूरा सामान रेडी कर दिया हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से मुर्ग मसल्लम बनाना है, आप घर में अपने बनाकर खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुर्ग मसल्लम बनाने के लिए सबसे पहले रेडी कर दें, आपके घर में गेस्ट आए हों या फिर आप किसी को सर्व करना है मुर्ग मसल्लम, इस तरह से बनाएं और बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप देखें मैं किस तरह से बनाता हूँ, पूरा सामान रेडी कर दिया, आप देख लें। दोस्तों देखिए, मैं एक नेट चिकन ले लिया हूँ, इसके अंदर का पूरा साफ करके देखें क्लीन कर दिया हूँ, बड़ी से वॉश करके रखा हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं प्याज दो प्याज लेके चॉप कर दिया हूँ और ग्रीन चिली चॉप कर दिया हूँ और दो तीन टमाटो लेके मैं चॉप कर दिया। अब दोस्तों देखें, कुछ पीस चिकन का मैं कीमा करके इस तरह से रख दिया हूँ। ये करीबन दोस्तों 100 ग्राम होगा चिकन। दोस्तों देखें, मैं धनिया पत्ता कीमा कर दिया हूँ। अब दोस्तों देखें, मैं ग्रेवी बनाने के लिए दोस्तों देखें बादाम ले लिया हूँ और काजू ले लिया हूँ, और आप चार मगज ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें देखें, मैं क्रीम ले लिया हूँ और दही ले लिया हूँ। दोस्तों देखें, एक देखो दोस्तों, सबसे पहले मसाला मैं इसमें देखें, इसमें मुझे चिकन इस तरह से छोड़ देना है, चिकन थोड़ा कुकिंग करके निकालना है। देखें दोस्तों, मैं इसको बंद कर, थोड़ा ओनियन इस तरह से डालना है। देखें दोस्तों, इस तरह से प्याज हाफ फ्राई हो जाएगा, फिर आप इसमें अदरक लहसुन देखें ऐड कर दें, अदरक लहसुन ऐड करने का लाल लहसुन हल्का फ्राई हो जाएगा। देखें इधर भी मेरा चिकन ऑलरेडी मैं इसमें डाला हुआ हूँ। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, देखो इस
तरह से इसको रोस्ट करना है। अब दोस्तों देखें इधर अदरक लहसुन डाल दिया हूँ, इससे हल्का फ्राई मेरा हो गया है। अब दोस्तों देखें इसमें मैं चिकन, दोस्तों चिकन एकदम कीमा नहीं करना है, उसका टेस्ट आपको अलग लगेगा। इस तरह से छोटा छोटा करके काटें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाने में। देखें इस तरह से एक बार बना के आप ट्राई करें, फिर कमेंट में ज़रूर बताएं, ये आपको बहुत टेस्ट होगा। आप इस तरह से मूट मसाला बनाकर एक बार देखें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं इसको फ्राई कर ले रहा हूँ, अदरक लहसुन और चिकन इस तरह से आप फ्राई इस तरह से कर रहे हैं। देखें दोस्तों इस तरह से फ्राई करने के बाद हल्का फ्राई ये हो जाएगा, आप इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। देखें स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। अब दोस्तों देखें धनिया पाउडर में हल्का मैं धनिया पाउडर ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखें जीरा पाउडर ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखें ये गरम मसाला पाउडर है, मिक्स गरम मसाला पाउडर है, इसमें ऐड कर दिया। देखें दोस्तों रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखें इसमें हल्दी ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ, मैं मसाला कर लिया। मसाला करने के बाद दोस्तों देखें इसमें आप क्या ऐड करना है, इसमें मेरा चॉपिंग किया हुआ टमाटो इसमें ऐड कर दिया, और दोस्तों ग्रीन चिल्ली चॉपिंग किया हुआ ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखें इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, देखें दोस्तों इसमें आपने इसमें अंडा इसमें ऐड कर दिया। अंडा ऐड करने का अंडा आपका टूटना नहीं चाहिए, इस तरह से इसके अंदर अंडा भी कुकिंग हो जाएगा। जब मैं इसका फायर बंद कर दिया, अब दोस्तों देखें मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। मेरा रोस्ट बंद कर दे रहा हूँ। देखें दोस्तों ये मसाला मेरा रेडी हो गया है, मेरा चिकन भी रोस्ट हो गया है। दोस्तों देखें मैं इसमें सिर्फ धनिया पत्ता डाल ले रहा हूँ, मैं इसका भी फायर बंद कर दिया, इसका भी फायर बंद कर दिया। अब दोस्तों देखें दोनों का ढक्कन खोल ले रहा हूँ। देखें मैं इसको निकाल दिया, जो मसाला बनाया हूँ प्लेट में मैं निकाल दिया हूँ अंडे के साथ में। आप देखें मैं इस तरह से बनाता हूँ, मैं चिकन जो चॉप करके रखा था इसका कीमा बना लिया। आप अदरक लहसुन मैं इसमें ऐड कर दिया। देखें दोस्तों अब अदरक लहसुन मैं इसमें मिक्स, याद रखें मसाला ऐड करने टाइम आप फायर थोड़ा स्लो रखें जबकि मसाला आपका जल ना जाए। देखें दोस्तों मैं हाफ टी स्पून मैं आपको हल्दी डाल दिया, दोस्तों रेड चिली डाल दिया पाउडर, दोस्तों गरम मसाला मिक्स गरम मसाला है दोस्तों इसमें पूरा मिक्स है, बड़ा इलायची छोटा इलायची दालचीनी और लौंग दोस्तों जायत्री इसमें पूरा मिक्स है, इसमें मैं ऐड कर लिया। अब दोस्तों धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड कर लिया, दोस्तों जीरा पाउडर मैं इसमें ऐड कर लिया। अब दोस्तों अलग से इलायची पाउडर मैं इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहा हूँ। देखें दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद में दोस्तों मैं काजू और दोस्तों चार मगज मेरे पास था, मैं चार मगज ऐड कर दिया हूँ। काजू और बादाम और टमाटो मैं इसमें पेस्ट कर दिया हूँ। देखें दोस्तों मैं इसको ऐड कर दिया। अब इसमें मसाला रह गया है, मैं इसमें थोड़ा पानी हल्का सा इस तरह से मिक्स करके पूरा मसाला निकाल दिया। देखें मैं नहीं डाला हूँ। अब देखें दोस्तों मैं नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, एक स्पून डाल दिया हूँ। देखें मैं
इसको बंद कर दिया दोस्तों, खोल के चेक करते हैं ग्रेवी। देखें दोस्तों इस तरह से ग्रेवी, वो दोस्तों कितना खुशबू, कितना जबरदस्त आ रहा है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दे रहा हूँ। देखें दोस्तों मैं इसमें क्रीम ऐड कर दे रहा हूँ। दोस्तों 5 से 7 मिनट के लिए इसको लो फायर में। देखिए दोस्तों मेरा मसाला रेडी हो गया, मैं चिकन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप इसको कुकिंग करने टाइम में देखिए मैं पूरी मसाला से आप पलटते रहें, 2 मिनट बाद इसको बंद कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गया है, मैं इसका फायर बंद कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें धनिया का पत्ता इसमें ऐड कर दिया। दोस्तों देखें ये मेरा मुर्ग मसल्लम। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे अंडा ऐड कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों क्रीम ऐड कर दिया। दोस्तों देखें मेरा मुर्ग मसल्लम रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में। दोस्तों आज मैं आपको चिकन मुर्ग मसल्लम बनाकर दिखाया और मेरा चिकन मुर्ग मसल्लम कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह नया नया रेसिपी लाता रहूंगा आप लोग के लिए, आप लोग मेरे वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों दुआ में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम।